हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज से लिमिट्स करेंगे, जिसमें हम लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे और इसमें जो थ्योरी है वो क्वेश्चंस के साथ मैं बताते जाऊंगा, क्योंकि इसमें जो थ्योरी है वो वैसे ही है कि क्वेश्चन के साथ ही बताया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये क्या है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 3। इसका ये मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो 3 के बहुत 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 क्लोज पुट करना है। ठीक है, कितना क्लोज पुट करना है? मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 3 में x का वैल्यू 3 के बहुत ज़्यादा क्लोज पुट किया और 3.01 पुट किया, और ये बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन ठीक है, क्लोज है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकाल के लेके आएंगे तो ये आएगा 39.2404। कितना आएगा? 39.2404, जो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है? 39 के बराबर है। दैट इज़ एक्स का वैल्यू अगर हम 3 के बहुत क्लोज पुट किए तो जो फंक्शन का वैल्यू आया वो कितना आया? 39 के क्लोज आया। और अगर एक्स का वैल्यू आप 3 के इन्फिनाइटली क्लोज कर दें तो ये एग्जैक्टली 39 आ जाएगा, ऐसा हम कहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम 3 का वैल्यू कितना पुट कर देंगे? एक्स का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 4 36 प्लस 3 कितना आया? 39। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल सी बात है, एक्स का वैल्यू आपको 3 पुट कर देना। हाँ, जब 3 पुट करने के बाद अगर रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आता, इनडिटरमिनेट टर्म आता, तो आपको फिर सोचने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ये। तो लिमिट का मतलब आप समझ गए कि वो उस जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 था, इसका मतलब ये है कि एक्स का वैल्यू 3 के बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज पुट करना है। सेकेंड नंबर क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी के क्लोज, मतलब x का एक बहुत ही लार्ज वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? अगर मैं बात करूँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 4 इन्फिनिटी आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी माइनस 2 भी इन्फिनिटी आएगा, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। ये कोई मतलब एक मीनिंगलेस बात होगी, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, जैसे 0 डिवाइडेड बाई 0 होता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 2x प्लस 4 मैंने न्यूमरेटर में भी x से डिवाइड किया, और न्यूमरेटर को x से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड किया। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या हो जाएगा? 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x, नीचे क्या होगा? x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x कैंसिल 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x, नीचे 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x। अब बताइए, 4 को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करें, मतलब 4 को इन्फिनाइट भागों में बांटें, तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा? मतलब 0 ही हो जाएगा। 4 को मैंने इन्फिनाइट भागों में बांटा, 4 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0। 4 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी करें या 2, कोई भी आप फिनाइट नंबर को इन्फिनाइट भागों में बांटेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 0, 2 प्लस 0 ओवर 1 माइनस 0, तो आंसर होगा 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 आएगा हमारा, तो 2 आंसर होगा। आप चाहें तो x का वैल्यू इन्फिनिटी की बहुत लार्ज वैल्यू लें, करोड़ों कर मतलब मिलियन बिलियन कोई वैल्यू लें, वो आप पुट करके देखेंगे तो आपका रिजल्ट कुछ इसी तरह से आएगा। कितना आएगा? 2 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, और अगर आप बहुत बड़ा वैल्यू कर देंगे और बड़ा, तो और 2 के क्लोज होगा, और इन्फिनाइट कर देंगे तो एकदम 2 हो जाएगा। ठीक, तो लिमिट की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्स माइनस 5 का मोड, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस एक्स माइनस 5 का मोड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे x का वैल्यू 5 प्लस का मतलब ये है कि 5 से थोड़ा सा बस आगे। ठीक है, 5 के बहुत नज़दीक है, लेकिन अब दो तरह की बात होती है ना, 5 के नज़दीक या तो 5 पॉइंट, देखिए 5 के नज़दीक क्या क्या हो सकता है, या तो 5.001 पुट करें या 4.999 कुछ इस तरह का पुट करें, और भी नज़दीक कर सकते हैं, लेकिन 5 प्लस का मतलब इधर वाला वैल्यू लेना है, आगे वाला। तो x से अगर हम आगे जाएंगे तो x माइनस 5 का मोड, मोड का मतलब ये हमेशा ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो हो सकता है,
तो 5 से ज़्यादा पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा ना। पॉजिटिव वैल्यू का मोड क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा उसमें। जैसे मैं बोलूँ 5 का मोड क्या रहेगा, 5 रहेगा। 7 का मोड क्या रहेगा, 7 रहेगा। अगर -7 का मोड लिखते तो +7 हो जाता। कैसे, -7 तो रहता ही, इसे माइनस लगा देते। तो नेगेटिव नंबर का जो मॉडुलस होता है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और पॉजिटिव का पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो x माइनस 5 का मोड, x माइनस 5 जो होगा ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही नहीं आएगा जब x का वैल्यू 5 से ज़्यादा पुट करेंगे, तो आपको पीछे की तरफ प्लस ही लगाना पड़ेगा, दैट इज ये x माइनस 5 ही आएगा। तो 5 प्लस में ये x माइनस 5 ही आएगा, नीचे भी क्या आएगा, x माइनस 5, और यहाँ पर लिमिट जो भी है वो लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 5 या 5 प्लस जो भी है ना। तो x ये तो कैंसिल ही हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1। और लिमिट से कोई मतलब ही नहीं, x का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दें ये कैंसिल होकर रिजल्ट कितना आएगा हमारा, 1। बात समझ आ रही है। तो 5 से अगर आप 5 के नज़दीक कोई वैल्यू रखें, बहुत नज़दीक, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 के क्लोज आएगा। और अगर ये 5 के इन्फिनाइटली क्लोज हो जाए तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, डन। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। x माइनस, अगर ये 5 माइनस होता तो यहाँ होता माइनस x प्लस 5, समझ रहे हैं आप। अगर यहाँ पे क्या होता 5 माइनस, तब ये हो जाता x माइनस 5। अगर 5 मतलब 5 से जस्ट पहले तो नेगेटिव वैल्यू होता, तो नेगेटिव, ये तो नेगेटिव आता है, इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब पॉजिटिव आता। ठीक, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, थोड़ी बारीक चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, तीनों क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम देखें 1 अगर पुट करें, 2 इंटू 1 2 2 माइनस 1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा, डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं। ये तब हमको कुछ सोचना पड़ेगा जब कोई रिजल्ट इनडिटर्मिनेट आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मैं बोलूँ 0/0, ये एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, तो मुझे उसे ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली रिजल्ट 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 1 स्क्वायर 1 2 बचेगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 4 2 इंटू 1 2 2 माइनस 1 1 4 4 8 2 10 10 बाई 1 कितना आंसर आएगा, 10। तो देख लीजिएगा ऑप्शन बी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सही है। 4 बहुत इजी क्वेश्चन था। 5 में आते, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 20, ठीक, x प्लस 5 मोड, आई एम सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 स्क्वायर रूट है ना माइनस 5। तो यहाँ पे अगर 20 हम पुट करते हैं तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट, 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 10। ऊपर 10 आ रहा है, नीचे कुछ भी आए कोई इशू नहीं है। अगर नीचे ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तब इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो ऊपर तो एक फिनाइट नंबर है, तो कोई इशू होने वाला नहीं है। सीधे हम पुट कर दे रहे हैं 20 प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस 5 डिवाइड बाई 20 प्लस 5 का स्क्वायर रूट माइनस 5। ऊपर 25 का रूट 5 प्लस 5, 25 का रूट 5 माइनस 5, तो 10 डिवाइड बाई 0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो एक्स का वैल्यू जब 20 के क्लोज हो जाएगा तो जो पूरा फंक्शन का वैल्यू है बहुत लार्ज वैल्यू आएगा। और अगर 5 एग्जैक्टली 20 हो जाए, मतलब 20 के इन्फिनाइटली क्लोज हो जाए, तो जो वैल्यू है वो इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब बहुत बहुत बड़ा वैल्यू। आप चाहें तो 20 के बहुत क्लोज एक वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जो कि एक बहुत लार्ज वैल्यू आपको देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान था ये भी, इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनाइट। तो याद रहे, इन्फिनाइट आंसर हो सकता है, इनडिटर्मिनेट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 8 माइनस 3x स्क्वायर रूट प्लस 8 प्लस 4x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x स्क्वायर रूट। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी कोई इनडिटर्मिनेट का कोई मसला नहीं है। 0 पुट करेंगे तो 8 माइनस 3 इंटू 0, 8 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर रूट प्लस 8 प्लस 4 इंटू 0 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट
प्लस आठ का स्क्वायर रूट, ये तो ज़ीरो, टू का स्क्वायर तो हो जाएगा टू रूट टू प्लस टू रूट टू डिवाइड बाई रूट टू, फोर रूट टू बाई रूट टू कैंसिल, कितना आएगा फोर। तो ये फोर आंसर हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवन में आते हैं। सेवन क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सेवन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारा प्रॉब्लम है, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो बात क्या हो रही थी कि यहाँ पे अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा नीचे भी इन्फिनिटी आएगा, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, जैसे एक्स माइनस वन यहाँ पर एक्स से डिवाइड किया, टू एक्स माइनस वन एक्स से डिवाइड किया, नीचे एक्स माइनस फोर यहाँ पे भी x से डिवाइड किया और x माइनस सेवन इसको भी किससे डिवाइड किया, x से। देखिए इससे क्या होगा, x x x से सारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए अगर मैं लिखूँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x बाई एक्स वन माइनस वन बाई एक्स, तोड़ दिए इसको, टू एक्स बाई एक्स टू माइनस वन ओवर x बटे x x कैंसिल वन माइनस फोर बाई एक्स, ये हो जाए x कैंसिल। अब बोलिएगा सर ये कैंसिल हो गया तो कैसे रहा, ये दोनों के साथ हो रहा है ना, माइनस सेवन बाई एक्स। अब बताइए यहाँ अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे वन बाई इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा, तो वन माइनस ज़ीरो और ये टू माइनस ज़ीरो बटे वन माइनस ज़ीरो ओवर वन माइनस ज़ीरो, तो ये हो जाएगा वन इंटू टू बटे वन इंटू वन, तो आंसर हो गया हमारा टू। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी, सिक्स का सी, फोर सही है, सिक्स का नहीं, ये सेवन, सेवन का आंसर होगा हमारा टू, बिल्कुल सही है, उतार लीजिए।